नमस्कार आदाब दोस्तों। दोस्तों पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब 7 और ऐसी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, तो आज हम आपको उन्हीं 7 सीटों के होने वाले उपचुनाव का एक ताजा और बड़ा सर्वे लेकर के आए हैं। उस सर्वे के बारे में आपको बताएंगे कि दरअसल किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या इस बार भी बीजेपी का वही हाल होगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ है, या बीजेपी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जरूर किया है, लेकिन उस तरह से नहीं कि उसको सत्ता मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 60 से 65 दिन का वक्त बचा, अगर इस बीच वो किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव नहीं जीत कर आती है या चुनाव नहीं कराया जाता है, किसी भी सदन की सदस्य नहीं बनती है, तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो चलिए फिलहाल हम बात करेंगे आज 7 पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के एक ताजा सर्वे के बारे में। आगे सर्वे बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, ईवीएम से नहीं होने चाहिए, अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम आपको सबसे पहले यह बता देते हैं कि वो कौन सी ऐसी 7 सीटें हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें पहला जहांगीरपुर, दूसरा शमशेरगंज और तीसरा खरदा, और जो चौथा भवानीपुर है, और पांचवा दीनाहाट, और छठा शांतिपुर है, और सातवा गोशाबा। ये 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर आने वाले कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, क्योंकि टीएमसी लगातार चुनाव आयोग से संपर्क कर रही है चुनाव करवाने को लेकर के। तो चुनाव आयोग ने भी इसकी तैयारियां फिलहाल शुरू कर दी है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से बता दिया गया है कि कोरोना कंट्रोल में है, ऐसी सिचुएशन में आप जल्द से जल्द चुनाव कराइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन 7 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। अगर ओवरऑल हम सीटों की बात करें तो यहां पर टीएमसी 6 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, वो भी चांसेस कम है। टीएमसी जो है कांटे की टक्कर यहां पर दे रही है। अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं जाएगी। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि किस सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी और बीजेपी कहां पर टक्कर दे सकती है ममता बनर्जी की टीएमसी को। जहांगीरपुर की अगर बात करें तो यहां पर टीएमसी क्लियर चुनाव जीतेगी। अगर शमशेरगंज की बात करें तो टीएमसी यहां पर भी चुनाव जीतेगी। अगर बात करें खरधर, तो यहां पर टीएमसी बीजेपी के बीच टक्कर जरूर है, लेकिन टीएमसी यहां पर भी चुनाव जीत सकती है। भवानीपुर ममता बनर्जी का गृह राज्य है, तो यहां पर तो ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी, लेकिन बीजेपी यहां पर टक्कर दे सकती है। दीनाहाट की अगर बात करें तो दीनाहाट के अंदर टीएमसी चुनाव जीतेगी। शांतिपुर के अंदर जो है टीएमसी चुनाव जीतेगी। गोशाबा के अंदर जो है, हालांकि बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर है, लेकिन बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी है। तो 1 सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, 6 सीटों पर ममता बनर्जी चुनाव जीत सकती हैं। आपका अपना प्रेडिक्शन क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।